प्राप्त हुई है। इस विषय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। नंबर एक अनूपगढ़ गंगानगर से अनूपगढ़, नंबर दो मदन प्रजापत के वो मुझे मित्र बनवाने हैं, अरे आप भी बनाओ भाई, उनको चप्पल तो बनवाओ, चप्पल नहीं बनवा गए तो इसमें आप साथ दो। ये जिले कोई माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले कोई एक पक्ष के थोड़ी है, सबका जिला भाई, जिलों में सबकी ताली एक साथ बननी चाहिए तब मजा आएगा जिले बनाने का भी। अनूपगढ़ बालोतरा हो गया दो, ब्यावर तीन, डीग भरतपुर चार, डीजवाना कुचामन पांच, दूदू जयपुर छः, गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर सात, जयपुर उत्तर जयपुर, जयपुर दक्षिण जयपुर, जोधपुर पूर्व जोधपुर, जोधपुर पश्चिम जोधपुर, टेकड़ी अजमेर, अजमेर टेकड़ी, कोतपुतली बैरोड जयपुर अलवर, खैरतल अलवर, खैरतल अलवर, नीम का थाना सीकर, फलोदी जोधपुर, कहाँ गए शलुम्बर उदयपुर शलुम्बर, शांचोर जालोर, और कैलाश मेघवाल जी शाहपुरा भीलवाड़ा। इस प्रकार 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले। पचास जिले हो जाएंगे। इन सभी का प्रदेश मुख्यालय से संपर्क संभागीय मुख्यालयों के माध्यम से होता है। अतः इस प्रबंध को सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रदेश में 3 नए संभाग मांसवाड़ा पाली सीकर बनाने की घोषणा करता हूँ। इन नवीन प्रशासनिक इकाइयों जिला एवं संभागीय मुख्यालयों को अविलंब धरातल पर उतारने के लिए सुदृढ़ आधारभूत ढांचा मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में 2,000 करोड़ रुपये का व्यय करना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। क्या आप हाउस में क्या है, कहीं सभा में बैठे होंगे क्या, कोई विधानसभा और पब्लिक मीटिंग में कोई अंतर है? मान सदस्य, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन हेतु गठित समिति ने दिनांक 15 मार्च 2023 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से 15वीं राजस्थान विधानसभा की अवधि में निम्नांकित विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। अमीन खां 2022, श्रीमती अनिता बदेल 2023। माननीय सदस्य को 20 तारीख को माननीय विधायकों को हम सम्मानित करेंगे 20 तारीख को। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता, राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2023 को पारित किया गया। राजस्थान वित्त विधेयक 2023, प्रश्न ये कि राजस्थान वित्त विधेयक 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता, राजस्थान वित्त विधेयक 2023 को पारित किया गया। सदन की बैठक सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।